संसार में पांडव ने इस दिन सोने की पत्ती यानी अपत्य पत्तों से शस्त्रों की पूजा की थी। तभी से भारतीय संस्कृति में दशहरे के दिन शस्त्र पूजन का विशेष महत्व रहा है। वाड़ी के स्मृति लेआउट में दी रॉयल शिव सांस्कृतिक फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष ओमकार तरमले द्वारा शस्त्रों का एक ऐतिहासिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी पुराने इतिहास के शस्त्र आम जनता को दिखाने के लिए उपलब्ध कराना था। इस शस्त्र प्रदर्शन में वाघनख, अफगान जाम्बिया, कट्टी, भाला, तलवार, दानपट्टा, खंजीर, बिचवा, टोप, सुधारी तलवार, समशीर, कटना, माथू, परशु, गुप्त खंजीर, हस्तिमुख खंजीर, कटियार सहित कई वर्ष पूर्व के कई पुराने ऐतिहासिक शस्त्र है। प्रदर्शनी में कोरा, माड़ी, ढाल भी लगाई गई थी। प्रदर्शनी देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक जमा हुए थे। सभी ने मुखौटा पहनकर शस्त्रों की पूजा की और शस्त्रों का प्रदर्शन किया। ओमकार तलमले ने दर्शकों को प्रत्येक शस्त्रों का महत्व और उसके सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बताया। प्रदर्शनी के दौरान ओमकार तलमले, पलाश अड़सठ, बाबू लहबर, ऋतिक निम्बालकर, रोहन येलूरे, प्रतीक मेश्राम, हार्दिक राउत, उत्कर्ष नंदनकर, अश्विन वानखेड़े आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। बघितलं की तलवार आणि सोबतच तो योद्धा जेव्हा घोड्यावर बसत होता तेव्हा खंजरनी वार करायचा, खंजर फेकून मारायचा। तर आपण तो विचार करतो खंजर येतो कुठून नेमका, तो जो आहे एकाच मॅनमध्ये खंजर आणि तलवार दोन्ही पण तो सुद्धा आहे। दानपट्टा होता बाजीप्रभू देशपांडे, आपल्या नागपुरात रामनगर चौकामध्ये बाजीप्रभू देशपांडेचा खूप सुंदर आणि खूप मोठा पुतळा आहे आणि खूप वर्ष जुना पुतळा आहे। त्यांच्या दोन्ही हातामध्ये दानपट्टे आहेत, तर त्याचा आपला जो रेप्लिका मॉडेल आहे बाजीप्रभू देशपांडेंचा दानपट्ट्याचा। त्याचबरोबर फक्त भारतीयच नाही तर नेपाळ किंवा चायना साईडच्या ज्या तलवारी होत्या त्यासुद्धा आपल्याकडे आहेत। एक तलवार अशी आहे की ज्याला सांभरचा शिंग लागलेला आहे आणि सांभरच्याच कातड्याची त्याची मॅन बनलेली आहे। अशा वेगळ्या वेगळ्या विविध पद्धतीचे आपल्या जो आहे। बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।